घटते फूड स्टॉक के बीच गेहूं से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। जी हाँ, कुछ हफ्तों पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं और चावल के भंडार के मासिक आंकड़े जारी किए थे। इस साल भारत के गेहूं और चावल के भंडार का पिछले कई सालों के मुकाबले कम स्टॉक देखने को मिला है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा को लेकर कई तरह की चिंताएं उभर कर सामने आई। हाल ही में जारी हुए रबी की फसल के बुआई के आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं। 2022 में गेहूं की फसल की बुआई में 14.6% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अगर मौसम ने साथ दिया तो अगले साल बंपर फसल की उम्मीद लगाई जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस बार गेहूं की बुआई 101.4 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। यह पिछले साल में 14.6% ज्यादा है। वहीं तिलन की बात करें तो वो भी पिछले साल से 12.8% ज्यादा है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक दालों और बाकी मोटे अनाजों की बुआई में भी 3.7% और 2.8% की तेजी आई है। पिछले एक साल में गेहूं की खुदरा कीमतों की बात की जाए तो खुदरा कीमतों में करीब 12% का इजाफा हुआ है। वहीं पिछली बार किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम बाहर मंडियों में मिले थे। इस कारण से गेहूं की बुआई के लिए किसानों में उत्साह है। आपको बता दें कि अक्टूबर में हुई बेमौसम बारिश से खरीफ की फसल को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन जमीन में अच्छी नमी रहने से रबी की फसल को फायदा मिल सकता है। भारत में पिछले 5 सालों में भारत का औसत गेहूं का भंडार करीब 350 लाख मीट्रिक टन रहा है, मगर पिछले करीब 3 सालों से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब अक्टूबर 2022 तक करीब 350 लाख मीट्रिक टन गेहूं गरीबों में बांटा है। ये सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अतिरिक्त आंकड़े हैं। इससे भारत के गेहूं भंडार में कमी आई है, हालांकि ये अब भी बफर स्टॉक से 30 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।